ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है। मुर्गी है और भेड़ है। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है, दोनों के पैरों की कुल संख्या कितनी है? 100। तो बोल रहा है कुल पैर कितना है? 100। तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या, दोनों का सिर मिला करके कितना है? 38। तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या है? मुर्गी तथा भेड़ का अनुपात निकालना है, संख्या का अनुपात निकालना है। तो इस प्रश्न को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुर्गी को कितना पैर होता है? 2। और भेड़ को कितना पैर होता है? 4। अब बोल रहा है दोनों के सिरों की कुल संख्या कितनी है? 38। तो इसको भी 38 से गुना और इसको भी 38 से गुना। तो बोल रहा है कुल पैरों की संख्या कितनी है? 100। तो दोनों का पैर मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 38 दुना 76 और 38 चौके 4 8 32, 4 3 12, 12 3 15, 152, 152। तो इसको क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़े में से छोटे को घटाना है तो 152 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इधर 52, और बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो इसको भी सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 6 चौके 24। तो यही अनुपात हमसे पूछा था, ये हमारा अनुपात निकला कितना हुआ? 13:6। समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर क्या है? रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को हम 2 मेथड से करेंगे, एक एलिगेशन मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। क्या क्या है? मुर्गियां हैं और गाय हैं। मुर्गी को होता है 2 पैर और गाय को होता है 4 पैर, ये आप जानते होंगे। तो मुर्गी को 2 पैर और गाय को 4 पैर। सिरों की संख्या कितनी है? 48। दोनों का सिर कितना है? 48 है। और पैर की संख्या कितनी है? 140। तो इसको हम, यानी कि दोनों का सिर कितना है? 48। 2 गुना 48 और 4 गुना 48, 48 दुना 96, 48 चौके 192। और बोला टोटल पैर कितना है? 140। तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 192 में से 40 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 52, और 140 में से 96 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया तो 4, और 13 में 9 गया तो 4, यानी 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौके 52, 11 चौके 44। ठीक, बोल रहा है मुर्गियों की संख्या। तो इसको जो है पहले कितना सिर था उसमें भाग देंगे, बांट लेंगे। तो कितना सिर था? तो 48, और 13 11 कितना हो जाएगा?
24, 24 से भाग करेंगे तो दो बार में, तो बोल रहा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी ये वाला है, तो मुर्गी ये वाला है तो 13 गुना 2 कितना हो गया 26, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, हो गया 26। एक तो ये मेथड था और एक है दूसरा मेथड, इसको सेकेंड मेथड से करेंगे फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम चार पैर वाला जानवर का निकालेंगे, चार पैर वाला जानवर जो भी है, चार पैर वाला जानवर जो भी है निकलेगा, और क्या करना है, पैर बटे 2 माइनस सिर, ये फॉर्मूला याद रखना है, पैर बटे 2 माइनस सिर। तो क्या है, कितना पैर है, पैर है 140 बटे 2 और सिर कितना है 48। अब इससे 2 से 140 बार में तो 70 बार में 140 तो क्या हो गया 70 माइनस 48, 70 माइनस 48 कितना हो गया, 10 में से 8 2 6 में से 4 2 22। तो कितना हो गया चार पैर वाला जानवर, इनकी गाय की संख्या कितना हो गया 22, ये गाय का निकला है और हमसे पूछा है मुर्गी का, तो मुर्गी कितना है, तो टोटल सिर तो 48 है, टोटल सिर 48 और उसमें से 22 सिर गाय का है, यानी कि 22 सिर गाय का, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 2 गया तो 2, ये किसका निकल गया, मुर्गी का, किसका निकल गया, मुर्गी का। तो समझ गए होंगे दोनों तरीकों को, कुछ मुर्गियां था बकरियां, मुर्गी मुर्गियां और बकरियां, मुर्गी को 2 पैर, बकरी को 4 पैर, सबसे पहले यही लिख लेंगे। और अब क्या बोल रहा है, कुल 240 सिर, सिर कितना है 240, सिर कितना है 240 और पैर कितना है 640, समझ रहे होंगे। फिर वही विधि से करेंगे, एलिगेशन मेथड, सिर कितना है 240 और इधर भी 240, अब इसको बराबर करेंगे, यानी कि पूरा पैर कितना है 640, 24 दूना 48 यानी 480, 2400 के 96 यानी कि 960। अब बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो क्या है कैसे घटेगा, तो बड़े में से छोटे 6 में से 4 गया तो 2 9 में से 6 गया तो 3, अब इधर 14 में से 8 गया तो 6 और 5 में से 4 गया तो 1, 16 दूना यानी 2:1, बांटना है कितना सिर है 240, 240 यानी 2 1 3, 3 से 80 बार में 240, तो मुर्गी पूछ रहा है कितना मुर्गियां हैं, तो मुर्गी है यानी कि 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 80, 2 यूनिट का मान 2 गुना 80 160, समझ गए होंगे। अब इसको अगला मेथड से बनाएंगे, सेकंड मेथड फॉर्मूला से। तो क्या है, चार पैर वाला, चार पैर बराबर पैर बटे 2 माइनस सिर, यही हमारा फॉर्मूला था, समझ रहे होंगे। तो चार पैर वाला यानी कि जानवर को पहले निकालेंगे, तो पैर कितना है 640 बटे 2 माइनस सिर कितना है 240, अब इसको सॉल्व करेंगे, 640
कितना बार में? 32, यानी कि 320। 320 में से 240 घटाएंगे, कितना हो गया? 0। 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 80। दिख रहा होगा, तो ये क्या निकला हमारा? 80 पैर, 80 जो है चार पैर वाला जानवर, यानी कि बकरियां कितना है? 80। 80 गो बकरी है, और टोटल सिर कितना था? 240। टोटल सिर 240, और बकरी उसमें से कितना है? बकरी का सिर 80, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 160। 160 क्या है? तो मुर्गी का संख्या है। समझ गए होंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल सिर कितना है? सिर, टोटल सिरों की संख्या 35, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है? तो 90। तो इसको हम उसी तरह बनाएंगे पहले एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड से इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो तोता है और क्या है? बकरी है। तोता और बकरी, तोता का संख्या, तोता का पैर कितना होता है? 2, और बकरी का पैर कितना होता है? 4। और तोता के सिर का संख्या कितना है, यानी कि दोनों का सिर का संख्या कितना? 35। तो 35 से दोनों में गुना करेंगे, क्योंकि सिर से ही पता चलेगा कौन कितना है। फिर कितना हो गया टोटल? कितना है पैर? 90। तो 35 दुना 70, और 35 चौके 140। तो बड़े में से छोटे घटाना है, 140 में से 90 घटाएंगे तो 50, 9 5 14 यानी 50, और 90 में से 70 घटाएंगे तो 20। ठीक, तो इसको 0 0 काटेंगे, टोटल कितना है पैर? टोटल सिर 35। अब 5 2 7, 7 5 35, 1 यूनिट का मान 5। तो बोल रहा है तोतों की संख्या, तो तोता कितना है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 5, 5 यूनिट का मान 5 × 5, तो 25। तोतों की संख्या कितना है? 25। समझ गए। अगर पूछता बकरी का संख्या कितना है, तो बकरी में पुट करते तो 5 × 10। ठीक, इसको अब फॉर्मूला से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? चार पैर वाला जानवर के लिए पहले चार पैर वाला जानवर का निकालेंगे। तो चार पैर वाला जानवर जो है, तो पैर बटे 2 माइनस सिर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसको आप याद रखेंगे तो आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा कुछ ही समय में। तो पैर कितना है टोटल? 90 बटे 2, और सिर कितना है? 35। तो इसको 2 से भाग करेंगे 45। तो 45 में से 35 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 हो गया, तो ये कितना क्या हो गया? चार पैर वाला जानवर, यानी कि बकरी। जो भी है चार पैर वाला जानवर, तो बकरी है। तो 10 जो है बकरी का संख्या हो गया, और उसमें हमसे पूछ रहा है तोतों की संख्या, तो टोटल कितना सिर है? 35। 35 में से 10 गो बकरी को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 25 तोता, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था एलिगेशन मेथड से। तो समझ गए होंगे। कुछ गड़ेरिया अपने भेड़े चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, कितना पैर? पैर कितना है? 230। पैर कितना है? 230। तथा उनके सिरों की संख्या, और सिर कितना है? 60। सिर कितना है? 60। तो भेड़ों की संख्या क्या है? तो इसको भी उसी तरह 2 विधि से करेंगे।
तो पहला एलिगेशन मेथड से करेंगे, पहला एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड हमारा क्या है, तो गडेरिया है, पहला गडेरिया है, और भेड़ है। गडेरिया और भेड़, गडेरिया को कितना पैर होता है, जो चराने वाला होता है उसको दो पैर होता है, भेड़ को कितना पैर होता है, चार पैर होता है। टोटल सिर कितना दिया है, 60, तो दोनों को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, और टोटल पैर कितना है, 230, तो 6 × 2 = 12, 120, 6 × 2 = 24, 240। तो बड़े में से छोटे घटाना है, 240 में से 230 गया तो 10, और 230 में से 120 गया तो 110। समझ रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो इसको बांटना है, कितना सिर है, 60, तो 1 और 11, टोटल कितना हो गया, 12, 12 से 5 बार में 12 × 5 = 60। तो हमसे क्या पूछा, भेड़ की संख्या, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 11 यूनिट का मान 11 × 5 तो 55, 11 यूनिट का मान 55। समझ गए होंगे, अब इधर फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, चार पैर वाला जानवर, चार पैर वाला जानवर, तो चार पैर वाला जानवर का फॉर्मूला क्या होता है, पैर बटे 2 - सिर, पैर बटे 2 - सिर, तो पैर कितना है, 230 / 2 - सिर कितना है, 60। समझ रहे होंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 115, 2 से भाग करेंगे 230 में तो 115, तो 115 - 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55। तो हमसे पूछा था चार पैर वाला जानवर, तो चार पैर वाला जानवर कितना है, तो 55। तो हमने दोनों तरीकों से सीखा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।